पंजाब की संगत जो पंजाब के लोग ने चाहे वह किसान वीर ने आती ने मजदूर है वो महसूस कर रहे हैं कि जोड़ा पंजाब के नाल विचकरा दोनों सरकार रल के कर रही है वो बिल्कुल लोटे छोड़ते हो गया इस करके लोगों ने यह महसूस किया कि पंजाब हमेशा ही देश के नाल खड़ा रहा तो रहना है क्यों इतना करते क्योंकि दूजे सूबे देखा कि रौला नहीं कहीं झोने का रौला नहीं कहीं खाद का रौला नहीं कहीं नबी का रौला नहीं कहीं दाने छोटे भज का रौला नहीं कला पंजाब के महसूस किया संतर ने श्रोमणी अकाली दल ने आवाज चुकाने वास्ते अब फैसला किया कि 5 तरीक न सारे पंजाब रोस धरने मुजाहरे ने वो हड़का वाइज ज शहरी जत्थे जो हड़के जो सारे कर्म अब जो लोगों की आवाज जी किसान वीर की ज मजदूर की सारे पंजाबीयत की वो पहुँचाई है भी इन्हों का कसूर की है सरकार इन्होंने लोगों ने बनाई ने सरकार बनाई दी है कि मतलब पंजाब के देश के खुशहाली हो शांति भाईचारा सांझ हो तो लोग खुशहाल हो देश के नाल होर भी चंगा किसान खड़े होंजाब खड़े हो इस करके पहली बार वेखा कि पंजाब इन्नी निकम्मी सरकार जी बन गई इस सेंटर से भी जाके अपना पक्ष पे जरा सही ढंग के नाल सही समय के मुताबिक नहीं कर सके इस करके मैं समझा कि इन्नी बड़ी परेशानियां कारण तो आप समझे नीत जो भावे सरकार हो नीत साफ ना ना होना चर गल नहीं पता जे काम करना हों नीत साफ हो पहला ही सेंटर 2 महीने मीटिंगा करके तालमेल करके मुख्यमंत्री साहब जाते होर सारे जाते ये प्रबंध पहला करने चाहिए जो कि हूँ आने के मौके के हिसाब के हाथ पला मार रहे हैं पर गल बन नहीं गई 1.5-2 महीने तो मंडिया के लोग रोल रहे अब मेरा हल होर समा लगना सैलर आने की अपनी परेशानी उन्हों की परेशानी ने समझ नहीं उन्होंने मीटिंगा लगिया नहीं उन्होंने सैलर अगे भरे हुए चौलों का मसला बनया बिठा उन्होंने वही सेंटर से चार दिन खोल रहे वो लिफ्टिंग का भी इतने मसला बनया मंडिया के अखबार लगे पे मंडिया मतलब झोने वो भी नहीं चक रहे इस करके काफ़ी लम्मा जोड़ा यह काम ही जोड़ा कि 2-3 महीने पहला तैयारी जी पंजाब सेंटर के नाल तालमेल करना होगा जिस तरह पहला साढ़े सरकारी योग मुख्यमंत्री साढ़े सबका मतलब साहब प्रकाश सिंह साहब का 3 महीने पहला ही ला पे मीटिंग लैन पंजाब दिया भी सेंटर के नाल भी तो इन्होंने कहीं नहीं रौला यह पहली बार होया कोई इन्ना बड़ा पंजाब के पद्धर से किसान भी परेशान घर च नहीं जा रहे मंडिया च मजदूर भी वेले बैठे सारा इस करके श्रोमणी अकाली दल ने महसूस किया कि श्रोमणी अकाली दल पहरेदार बन के शुरू को लेकर अज तक पहरेदार पंजाब का बनया कि कोई भी गल हुई है कोई भी परेशानी हुई है श्रोमणी अकाली दल नाल खड़ा होया अज भी उन्होंने अपना फंक्शन रखे श्रोमणी अकाली दल ने अपना सारे ही और अज फिर अभी अपनी आवाज जी है वजी ज्यादा के रूप के राही एस डी एम या डी साहब के वो गवर्नर साहब में जाएगी जो गवर्नर साहब की अगर सरकार में जाएगी तो लोग परेशानी का सब ध्यान सारिया पर अज तो हालात वे लोग एक भी नहीं दे रहे पे की देनी एक नहीं दे रहे उन्होंने एक सरकार ही पहली गल झूठ मार के बनाई जो जो झूठते किसी के पैर ना होने तो तुम पता कि होना कि झूठ मार के सारा कुछ करता ही आह करना जी घर अफसर आया करे साढ़े घर से कुटे टंगाया करे तुम पुछया करे तुम कचहरिया जान की लड़ नहीं दफ्तर से लड़ नहीं तो अब हालात की है ना दफ्तर से लगता कोई तो ना कचहरी लगता और किसी लगता इस करके एक अज हूँ भी मतलब मरी जाते अभी भी नहीं हटे भी अभी हूँ ही आप काम करिए लोगों ने जोड़े लोगों ने बड़ी शौक के नाल बड़े चा ना सरकार 92 MLA कभी भी मेरा हल किसी पार्टी के नहीं बने जिन्हें इन्होंने बने ही इस करके वो ज्ञान ही मैं समझा कि ज्ञान पुणे के सारा कुछ है बाई बाई बच्चे अकाली दल तो यह महसूस करना ही करना पंजाब के लोग संगत में महसूस कर रही है भी ये कि भुल के ना मुड़ के आने सरकार अगर इतने श्रोमणी अकाली दल की आँदी ही जाकर कांग्रेस की आँदी तो बड़े आराम ना काम चलता ही कमियां पेशियां रहिंदियां थोड़ियां बढ़िया इस तरह नहीं कभी होया जिस तरह हाँ तो हम तो दिन ही सवेरे ही दुट कसुट है कोई पोता ही कोई नहीं कह लेकिन अगवाई 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 नहीं समझ लग पाई कि सुखबीर
ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਭੁੰਡ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵਰਕ ਉਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਉਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਦਾਦਾ ਵਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਭੁੰਡ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਈ। ਚਲੋ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਹੋਣਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਐਸ ਡੀ ਗਵਾਹੀ ਆ ਉਹ ਭੁੰਡ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਲਾਗੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਰੁਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲੰਮ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਫੱਪਣੀ ਸੀ ਪੂਰੀ, ਜਿੰਨਾ ਜਿਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਵਿਹਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਵਿਹਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋ ਆਪਣਾ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋ ਕਰਦਾ, ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਸਮ ਰਿਵਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਹ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਰੁਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਭਾਰੀ ਦੀਵਾਲੀ ਆਈ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉਹ ਤੇ ਮਤਲਬ ਵਿਚਾਰੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ, ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦਾ, ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਹਲਕੇ ਹਲਕੇ ਬਾਈ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲਿਆ ਸੀ ਭੁੰਡਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਵੀ ਸਾਰੇ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹਲਕਿਆਂ ਬਾਈ ਜੀ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਡਾਰੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਿਤੇ ਦੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਵਾਲੇ ਅਜਨਾਲਾ ਅਜਨਾਲੇ ਵਾਲੇ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਹੋਗੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲੰਧਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਰੀ ਬਾਕੀ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਕਆਊਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜਾਂਗੇ, ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਕਾ ਵਰਕਰ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕਰ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਖੜੋਗੇ ਜਾ ਚੱਲੇ? ਵਰਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਪੱਖ ਨਾ ਹੀ ਛੱਡੀਏ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਆਪਣਾ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਚੱਲਣ ਡਿਆ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉੱਪਰ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਚ ਆਉਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਆਉਣੇ ਸਾਰੇ ਆਉਣੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬੀਂਗ ਨੋਟ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਵਿਦ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਮੰਡੀ ਤੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਝੋਨੇ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਥਰੂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੈਨਲ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੱਕ ਭੇਜ ਦਾਂਗੇ। ਵੇਰੀਅਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਨੇ ਜੀ ਵੀ ਜੋ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਜੋ ਪੋਲਿਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਕਿਓਰਮੈਂਟ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਇਜ਼ ਐਡਰੈਸ ਟੂ ਦੀ ਗਵਰਨਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਉਹ ਹੀ ਇਸ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ। ਬਹਿ ਜਾਣ ਸਾਰੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਰਸੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਆ ਜਾਓ।